अच्छा ये बताओ, पैसे तो अंजलि के नाम से आ रहे हैं ना? वो सर एक गड़बड़ होते होते बच गई थी। क्या गड़बड़? वो दरअसल हम अंजलि बंसल के नाम पे फॉर्म खोलने गए थे तो गलती से कॉन्टेक्ट नंबर भी उनका डाल दिया था, पर सर लास्ट मोमेंट में हमने गलती सुधार ली। अब तो कोई गलती नहीं की ना, ठीक से देख लिया था। हाँ सर। ये जो अंजलि बंसल है ना, ये जो अंजलि बंसल है ना, इस जैसी प्रतिभावान शिक्षिका हमें चिराग जला के भी नहीं मिलेगी। अरे ये अंजलि बंसल जैसी गुणी प्रतिभाशाली शिक्षिका ही हमें चाहिए। और मैं तो दुआ करता हूँ भगवान से कि चाहे कुछ भी हो, बस अंजलि बंसल जी का नाम इस लिस्ट में आ जाए, बस बस। भाई साहब। अरे अंजलि जी आइए 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 आइए, और सच बता रहा हूँ आपका, आइए आइए बैठिए। अभी आपका ही जिक्र चल रहा था, बैठिए ना, बैठिए बैठिए बैठिए। अरे कितनी लंबी उम्र है आपकी, 100 साल जिएंगी आप। विप्लव से अभी आप ही के बारे में जिक्र कर रहा था मैं। भाई साहब हमें आपसे ना एक सवाल पूछना था। दो पूछिए आप। भाई साहब वो क्या है ना कि आपने जो ट्रस्ट के लिए हमारा नाम देकर रखा है ना, उसके लिए हमें क्या करना होगा? कुछ नहीं, बस साइन करने होंगे। अच्छा। बाकी हम सब कर लेंगे। देखिए क्या है कि जितनी भी शिक्षिकाएं और शिक्षक भर्ती होंगे तो उन सब की आपको यूनियन लीडर बनना है, क्योंकि ये एडॉक बेसिस पे अपॉइंटमेंट है ना, तो उनके अधिकार कहीं नष्ट ना हो जाएं, इसलिए आपको ये ख्याल रखना होगा। थोड़ा सा जिम्मेदारी का काम है। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है भाई साहब। जी जी, हम अब है तो सही, मगर हमें पूरा विश्वास है कि आप ये जिम्मेदारी बहुत अच्छी तरह से पूरा करेंगी। हम आपके विश्वास पर ना खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे भाई साहब, क्योंकि हमें अपना और अपनी बेटी का नाम भी तो संभालना है। जितनी कोशिश करनी है करिए, अपना और अपनी बेटी का नाम बचाने की। हम भी हर मुमकिन कोशिश करेंगे अपनी तिजोरी गर्म करने की। ठीक तो है? हाँ, वो अचानक से धुंधला दिखने लग जाता है ना हमें, तो बस वही। आप अपनी ड्रॉप्स रेगुलरली डाल रही हैं ना? हाँ, आज सुबह ही डाली थी हमने। तुम आओ ना। जी। कुछ खबर मिली? आपका शक सही है, ये लिस्ट भी बोगस है। ये बिंदेश्वरी प्रसाद शुक्ला, जिसके बायोडेटा में BSc ऑनर्स लिखा है, वो एक 12वीं पास कारपेंटर है। और ये मनोहर रंगीला, उसका तो लोहे का बिजनेस है। और भी करामाती लोग हैं, देखिए। एसपी माथुर, आज आपने बहुत बड़ा काम किया है। आप नहीं जानते हैं कि हमने कोई बड़ा काम नहीं किया है काव्या जी। हम जानते हैं कैसा महसूस होता है। हमने भी प्राइमरी क्लास एक म्यूनिसिपल स्कूल से ही की है, और वहाँ अच्छे टीचर्स तो क्या, टीचर्स ही नहीं होते हैं। किसी और के साथ ऐसा नहीं होने दे सकते। थैंक यू। हमने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है, बस। जय हिंद। क्या बात है, न दस्तक न मैं आई कम इन, सीधा अंदर चली आई। सर क्या आप ये जानते थे कि वो जो नई लिस्ट है उसकी जांच नहीं हुई है? कौन सी नई लिस्ट? जो मिस्टर शुभ लेकर आए थे, आपके कहने पर जिस पे साइन किया था हमने। अच्छा अच्छा, हाँ। तो क्या हुआ? सर वो सारे फेक प्रोफाइल्स हैं, फेक बायोडाटाज हैं सब। क्या? मैम हमने खुद ने देखे वो सारे बायोडाटाज। आपने सिर्फ देखी थी, जबकि आपने कहा था कि आपने जांच की है। और सर आपने भी तो पूरे यकीन से कहा था ना कि मिस्टर शुभ हमारी तरह शॉर्टकट्स नहीं लेते। लिस्ट पर साइन किसके थे? लिस्ट पर साइन कर दीजिए और इसे सचिवालय पहुंचा दीजिए। लीजिए। जी? लिस्ट पर साइन किसके थे? हमारे? फिर? ना मतलब आपको अपने हस्ताक्षर का महत्व नहीं पता। अभी औरतों का यही प्रॉब्लम है, बिना सोचे समझे देखे कहीं भी हस्ताक्षर कर देता है। अब हमारी पत्नी जब भी मार्केट जाती है किसी ना किसी फॉर्म पे साइन करके आ जाती है। नहीं सर, सर हमारी इसमें कोई गलती नहीं है, हमें फोर्स किया गया था उसमें साइन करने के लिए। अच्छा फोर्स? आप ये भूल रही है एसडीएम साहिबा कि हम भी एसडीएम रह चुके हैं। मजाल है किसी का कि हमको फोर्सफुली साइन करवा ले। और आप मिस्टर शुभ, आपने कहा था ना कि आपने हर नाम की अच्छे से जांच की। आप इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं? मैम जेन्युइनली हमने सब देखा था। वैसे मैम हम आपके ट्रेनी हैं, जो आप सिखा रही हैं हम वही तो कर रहे हैं मैम। एग्जैक्टली। शुभ बराबर कह रहा है, अगर लिस्ट गलत गई है तो उसकी जिम्मेदारी भी आपकी होगी। नो सर, वो लिस्ट भले ही हमारे साइन से गई है, लेकिन अगर वो गलत है तो वो पास नहीं होगी। मैम सुनिए। हाँ बंसल, तुम्हें ही कॉल करने वाले थे। 11 बजे की दवाई का अलार्म बजा था, दवाई ली तुमने? आदि हमारे साथ धोखा हुआ है। धोखा? क्या बोल रही हो तुम? कल जो हमने लिस्ट प्रेजेंट की थी ना, उसमें सारे गलत कैंडिडेट्स हैं। काव्या वो लिस्ट तुमने खुद प्रेजेंट की थी अपनी गारंटी पर। हम जानते हैं पर वो सारे गलत नाम है। सीएम सर के आते ही उस लिस्ट में काम शुरू हो जाएगा, तुम्हारा नाम खराब होगा। हमें नहीं फिक्र है अपने नाम की, गलत लोग अपॉइंट नहीं होने चाहिए। देखो हम अभी के अभी वहाँ पहुँच रहे हैं, हम खुद ये लिस्ट रिट्रैक्ट करेंगे। ओके ठीक है, जल्दी आओ, टाइम बहुत कम है हमारे पास और तुम्हारा वेट कर रहे हैं, जल्दी आओ। हाँ ठीक है। सुनो, ड्राइवर किधर पे? उसे तो डीएम साहब भेजे जरूरी काम से। हमें किसी ने बताया ही नहीं। और कोई ड्राइवर नहीं है? नहीं मैडम, अभी तो कोई मौजूद नहीं है ड्राइवर। गाड़ी की चाबी दीजिए हमें। मैडम वो आता होगा 15 मिनट में। इतना टाइम नहीं है हमारे पास। ए रुक रुक रुक, काव्या मैम गाड़ी चला के गई क्या? जी सर। अल्लाह दिख रहा और गाड़ी चला के गई है काव्या। ए रुक रुक रुक, पीछो 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 पीछो। डीएम साल के लिए समोसा लेकर आया था। अरे हम देख लेंगे, पीछो हेलमेट निकाल लगा। टेंशन मत लो काव्या, 50 बार इसी रास्ते पर ड्राइव किया है। यहाँ पे सिर्फ सीधा सीधा, फिर आगे स्कूल से लेफ्ट है और पार्क से राइट, और कुछ नहीं। सीधा सीधा चलो बिना किसी टेंशन के। आदि पापा हमें आपसे सुनो, ध्यान से सुनो। जैसे सीएम साहब आएंगे तुम उनसे मिलोगे और उनको बताओगे कि डीएम ऑफिस से जो भी लिस्ट आई है ना वो सारी झूठी है, फर्जी है। आपको उसके बारे में पता था, आपने हमें क्यों नहीं बताया? अच्छा आप बता रहे ना, अब तुमसे जो कह रहे हैं सीएम साहब से मिलो और उनको सारी बातें बताओ और उनका विश्वास जीत लो। नहीं पापा, हम नहीं बताएंगे, काव्या खुद बताएगी और लिस्ट भी खुद वापस लेगी वो। अरे काव्या आकर के खुद अगर वापस लेगी तो ढेले का फायदा होगा हमको। पापा लेकिन सुनो, तैयार रहो, जैसे सीएम साहब आए उनको सारी बातें बता देना, जो कह रहे हैं वो करना, समझा करो, ठीक है? हाँ जी डॉक्टर। एक्चुअली मैंने काव्या को कहा था कि अपने ब्लर विजन की प्रॉब्लम के लिए वो एक इंजेक्शन ले ले, पर वो आई ही नहीं। ब्लरी विजन? काव्या को ब्लरी विजन है, उसे धुंधला दिख रहा है। डरने वाली कोई भी बात नहीं, ये नॉर्मल है। प्रेगनेंसी में जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं उसमें ऐसा होता है। पर हाँ, आप काव्या को इंजेक्शन के लिए ज़रूर याद दिला दीजिएगा। ओके डॉक्टर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हेलो। हाँ काव्या। आदि देखो, जल्दी जल्दी बोलो, हम ड्राइव कर रहे हैं, हम ज्यादा बात नहीं कर पाएंगे। काव्या तुम ड्राइव क्यों कर रही हो, तुम्हें ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। तुम्हें कैसे पता चल? काव्या हाउ कैन यू बी सो इररिस्पांसिबल यार, तुम गाड़ी वही रखो, हम आ रहे हैं। स्टॉप द कार राइट नाउ। नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं है आदि, हम देखो हमने स्कूल से भी ऑलरेडी लेफ्ट ले लिया है और अब बस यहाँ से आधा किलोमीटर ही है, हमें रास्ता पूरा दिख रहा है। हमें कुछ नहीं सुनना, तुम वही गाड़ी रखो, हम आ रहे हैं, वही पहुँच रहे हम। ठीक हो? पागल हो गई हो क्या तुम? तो ऐसी हालत में गाड़ी कौन चलाता है? चलो आओ बाहर, चलो। काव्या तुम ठीक हो? बंसू हाँ, आर यू ओके? वो तो अच्छा हुआ गाड़ी भिड़ी नहीं, ब्लरी विजन में गाड़ी चला रही है। क्या ये भी नहीं बताया अपने पतिदेव को? हद दो यार, तुम्हें समझ में नहीं आता। धन्य हो, संभालो। डॉक्टर का फोन आया था, तुम्हें इंजेक्शन लगाना। चलो। नहीं नहीं यार, पहले सीएम साहब से वो लिस्ट वापस लेनी है अभी। सीएम साहब आ गए, मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ। सर अभी आए हैं, कमरे में हैं। अच्छा हैं, ठीक है ठीक है ठीक ठीक। आदि कहाँ रह गया? लगता है सीएम साहब को ये खबर भी मुझे ही सुनानी पड़ेगी। अरे आइए आइए, आप ही का इंतजार कर रहे थे, आइए बैठिए गिराजी। गिरी जी जी, एसडीएम काव्या प्रधान ने लिस्ट वापस ले ली है और माफी भी मांग ली है। लेकिन इस सब में वक्त बहुत खराब हुआ और हम वहीं के वहीं खड़े। वी आर बैक टू स्क्वायर वन। लेकिन हम एसडीएम काव्या प्रधान की तारीफ करते हैं कि कम समय में उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। हाँ, समय भी बर्बाद हुआ है और इसलिए अब हमें डीएम ऑफिस का इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए। हमें आधे घंटे के अंदर 20 लोगों के नाम चाहिए डेस्क पर, ताकि हम आगे की कार्रवाई पूरी कर सकें। जी जी जी। अरे आदि, तुम जा रुकना। जी सर। काव्या, काव्या क्या बोले मंत्री जी? तुम्हें क्या मतलब है अब? तुमने तो गलत लिस्ट हमें थमा कर अपने हाथ खड़े कर लिए थे ना। काव्या आई एम रियली सॉरी, बस तुम्हारी मदद करने के चक्कर में जल्दबाजी में हो गया। हमें नहीं पता था तुम इतनी बड़ी मुसीबत में फंस जाओगी। शुभ, हम अपने आप को हैंडल कर सकते हैं। ओके, अगर हमें मदद चाहिए होगी तो हम खुद मांग लेंगे। तुम ठीक हो बांसु? कैसे ठीक होगी? ख्याल तो रखती नहीं अपना। तुमने हमें बताया क्यों नहीं? तुम्हें देखने में प्रॉब्लम हो रहा है? दादी हमने बताया था कल रात को, पर तुम ऑलरेडी सो गए थे। फिर सुबह हमारे दिमाग से निकल गया। ऑलरेडी इतनी चीजें चल रही हैं ना हमारे दिमाग में, तो ठीक है। और टेंशन है ऑफिस में? हाँ, पर हम मैनेज कर रहे हैं। अरे हम हैं ना ऑफिस में आदि, अगर कुछ दिक्कत होगी तो हम हेल्प करेंगे। काव्या की ओ क्या बात है। खतरा टल गया ना? बड़ी विजयी मुस्कान है चेहरा। मिश्रा जी, आपने हमारी लिस्ट ध्वस्त कर दी, हमने आपकी लिस्ट हवा में उड़ा दी। ये साहब बराबर। गिरिराज बाबू, दो शेर जंगल में एक साथ नहीं रह सकते। जब फायदा हो रहा हो ना, तो दुश्मन को भी दोस्त बना लेना चाहिए। इसी को राजनीति कहते हैं। ना आपकी ना हमारी, जो कुछ भी होगा बराबर बराबर। मतलब नई लिस्ट बनानी है। 10 कैंडिडेट आपके, 10 हमारे। और फंड्स उसके लिए हमने एक ट्रस्ट बना रखा है। हमारे कैंडिडेट्स भी उसमें दान करेंगे। और जैसे ही अपॉइंटमेंट लेटर डिस्पैच होंगे, तो वो जो फंड ट्रस्ट हमने बना रखा है वो डिजॉल्व हो जाएगा। और उसके बाद सारी राशि निकाल करके दोनों बराबर बराबर। मतलब जानवरों का बंटवारा कर लें तो दो शेर एक ही जंगल में एक साथ मजे से रह सकते हैं। अरे आइए आइए, आप ही लोगों का इंतजार हो रहा था। आइए। इनसे तो 36 का आंकड़ा था ना पापा जी का? सर, लिस्ट है सर। तो आप दोनों के हिसाब से यही है काबिल कैंडिडेट्स? जी जी। सीएम साहब, हम जानते हैं कि आप डीएम ऑफिस का इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल नहीं चाहते इसमें, पर ऑलरेडी 2 बार गलतियां हो चुकी हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि इस बार भी हमें एक एक कैंडिडेट की अच्छे से जांच करनी चाहिए। तो आप ये कहना चाहती हैं कि ये लिस्ट भी भ्रष्टाचार की स्याही से लिखी हुई है? सर, ऐसा कहने से इनकार तो नहीं कर सकते, करना भी नहीं चाहिए। इस लिस्ट का अध्ययन आप अच्छे से कर सकते हैं। हो सकता है इनमें से कुछ को जानती नहीं। पहला ही नाम देखिए, श्रीमती अंजलि बंसल। जानती है ना आप? सॉरी, आपने क्या नाम बोला? अंजलि बंसल, एसडीएम साहिबा। हमारे बेटे आदि की सास, काव्या की माताजी और हमारी संगत। और कोई परिचय देना? अब भी आपको लगता है कि ये लिस्ट फर्जी है? और अगर ये फर्जी है तो इसका मतलब आपकी माताजी ने भी पैसा दे करके अपना नाम डलवाया। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.